अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ 2-3 दिन के बाद शाम के चाय से। तो मैंने अभी यहाँ पर थोड़ा सा दूध लिया गरम करके, मैं बनाऊँगी अभी चाय नहीं कॉफ़ी बना के पीऊँगी। अभी आज कॉफ़ी, सुबह में भी कॉफ़ी पी थी, अभी पीती कॉफ़ी। आज है बाहर का थोड़ा सा वेदर बहुत अच्छा, हवा भी अभी आ रही थी, अभी थोड़ी रुक गई है, नहीं तो हवा अच्छी आ रही माशाल्लाह। देखो झाड़ कितना हरा भरा हुआ है, ये झाड़ पर पूरी इमली लगी हुई है, देखो खट्टी इमली रहती ना वो इमली है। अभी बज रहे शाम के 6, अभी मैं पीती हूँ चाय, फिर थोड़ा सा आप लोग को मिलती हूँ फ्रंट कैमरे से। बहुत दिन हो गया, 3-4 दिन से मैंने वीडियो नहीं शूट किया है, अभी आज वीडियो शूट करूँगी। चलो चाय, दूध अच्छे से बॉईल हो गया, फटाफट बनाते कॉफ़ी, फिर मिलती हूँ आपको थोड़े टाइम बाद। तो अभी चाय पी के मेरा हो गया, मतलब आधा घंटे के ऊपर हो गया कॉफ़ी पी के। तो मुझे अभी खाने को हुआ मन आम, तो मैंने कट किया आम, मैं बैठी हूँ खाने के लिए, देखते खा के खट्टा है मिट्टा है, फिर खाम खाने के बाद क्या करती हूँ आप लोग को फिर दिखाती हूँ। तो मैंने दाल चढ़ा लिया है, दाल में आज मैं थोड़ी अलग बना रही हूँ, मैंने कांदा टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट अभी डाल दिया है। अभी इसको लगाती हूँ 2-3 सीटी, फिर आपको दिखाती हूँ। रोज़ मैं हमेशा सादी बनाती हूँ, आज थोड़ा अदरक लहसुन वगैरह डाल के बना रही हूँ, क्योंकि परसों ही बनाया था दाल चावल, तो मन मेरे को खाने को मन कर रहा दाल चावल। तो चलो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, दाल चावल बनाती तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और साथ में तल दूंगी पापड़। तो अभी एक हाथ से मुझे लगाने नहीं आ रहा है, कैसे लगा, हाँ लग गया, और इतनी हवा छुटी है ना, तो गैस देखो कैसे हो रहा है, बहुत हवा आ रही है। मैं जब वीडियो में दिखाती तब हवा ही नहीं रहती, ऐसे देखो हवा कितनी आ रही है, गैस मेरा हिल रहा है। तो अभी मैं खाने जा रही हूँ चिक्कू, तो चलो आप लोग को मिलती हूँ थोड़े टाइम बाद। तो आज वीडियो मैंने स्टार्ट किया है एकदम 8:30 मतलब शाम को स्टार्ट किया था फ्रंट कैमरे से, नहीं चाय के टाइम पे ही। तो आज मैंने कितने तीन दिन बाद जो मैं नया यहाँ गई थी उरुस में, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया ही नहीं, क्योंकि मेरे को इतना कंटल आ रहा था बनाने के लिए, इसके लिए मैं बनाई नहीं, और थोड़ा बिजी भी थी। मेरा अभी दाल पकने के लिए रख दिया है, 2 सिट्टी हो गए, और 2 सिट्टी लेती हूँ, फिर बाद में बघार लेती हूँ। बघारने के लिए ना कड़ी पत्ता थोड़ा सा है, कोथिंबीर नहीं है, बघार के रख देती हूँ, आएंगे जब कोथिंबीर मंगा के फिर ऊपर से दाल दूंगी। तो मेरे को कुछ खाना बनाने के लिए मन नहीं कर रहा था, इतना कंटाल आ रहा था, इतना बोर हो रहा था, इसके लिए मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं दाल चावल बना रही है, तो मना किए थे मुझे दाल चावल बनाने के लिए कि मत बनाओ कुछ और बनाओ करके। मैंने बोला सुबह में तो मैंने चिकन बनाया था, आप और क्या बनाओ, इसके लिए मैं बोली अब मैं चिकन के, बोले चिकन ही बनाने के लिए, मैं बोली नहीं बनाऊंगी मैं चिकन, तो दाल चावल बनाऊंगी। मैंने बोला आप अंडे लेके आओ, फिर रात को अंडे फ्राई करूंगी। और सुबह में मैं गई थी बाहर, तो मैंने काजल लगाया था सुबह में, तो पूरा काजल मेरा फैला है देखो। और सुबह में जल्दी से नहा धो के, मतलब 9 बजे मैं नहा धो के रेडी होके, थोड़ा मेरा काम था उससे बाहर गई, बाहर जाना था वो कैंसिल हो गया, नहीं हो पाया, तो रेडी होके तो मैं बैठी थी, नहीं हो पाया, फिर कल जाना है, अभी कल सुबह 10-10:30 बजे जाऊँगी, तो कल भी सुबह में जल्दी उठ के नहा धो के फ्रेश होके निकल जाऊँगी। मेरे को 10:30 बजे घर से निकलना है, 11 बजे कहीं पहुँचना है मुझे, तो निकलूँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी। ये 3री सिट्टी हो रही है मेरे फ़ोन में, बोल रही इसके अंदर कुकर में, अरे वीडियो बनाने के लिए क्या है, घर में ही रहती हूँ, उसके लिए ज़्यादातर कुछ कहीं आना नहीं हो रहा है, जाना नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही, क्योंकि अभी मैं जाऊँगी तो भी अकेले कहाँ जाएगा, तो बहुत फंक्शन थे, कहीं आना जाना मतलब था कहीं कहीं पर, मैं जा अकेली हूँ, इसके लिए मैं कहीं गई नहीं। उरुस में उस दिन गई थी तो वो वीडियो बनाया मैंने। अभी देखते बकरीद के बाद, बकरीद के बाद 2 दिन के लिए बोले मैं छुट्टी लेता हूँ, फिर देखते कहीं बाहर जाएंगे तो फिर वीडियो बनाऊँगी, नहीं तो पहले ऐसा रहता था कि बहुत घूमना फिरना होता था, पर काम के चक्कर में जा नहीं पाती थी। अभी घर पे हूँ तो भी धूप के चक्कर में जा नहीं पा रही, पर इंशाल्लाह अभी दो बोले मेरे को 2-3 दिन की मैं छुट्टी लूँगा तो फिर जाएंगे। और इतनी गर्मी हो रही, मैंने मेरे हाथों में की अंगूठी वगैरह सब निकाल के रख दी, क्योंकि उस दिन मैंने अंगूठी क्या की, रात को मुझे शायद से कुछ हो रहा था हाथों में, तो मैंने रात में निकाल के उसको रख दिया, तकिया के नीचे रख दिया, और मैं दिन भर ऐसे ही घूमी, मुझे याद ही नहीं कि अंगूठी किधर है, मैं बाहर वगैरह जाके आई, फिर शाम में आके मैंने बेडशीट झटकने के लिए झटका, तभी मुझे एक रिंग मिली, फिर मुझे याद आया, फिर और एक रिंग, फिर मैंने पूरा ढूंढा, मुझे एक रिंग मिली नहीं गई, क्योंकि वो जो पलंग हमारा सोफा कम बैठ है ना, तो उसके बीच में जाके फंसी थी, फिर मेरे को इतना डर लगा, पता नहीं कौन गई, फिर बाद में पलंग बेड भी हिला झुला के फिर मिल गई, तो मैंने निकाल के रख ही दिया, जब से दोनों भी मैं नहीं पहन रही हूँ, एक ही पहन रही हूँ ये सिंपल वाली। ये हाथ से मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता, ये हाथ से पता नहीं मुझे शायद से मेरे फिंगर ना सुबह में सूजते हैं वगैरह कुछ तो भी, तो एकदम टाइट हो रहे थे वो, तो मैंने रात को ही निकाल के फेंक दिया। और मेरे थोड़े उंगलियों में है बहुत ज़्यादा ही ये मोटे मोटे है ना, तो ऐसा लगता है कि ये देखो कितने, ऐसा लगता है स्वेलिंग है करके, पता नहीं क्यों है। फिर वो रात में कुछ होता है प्रॉब्लम, तो मैं रात को नींद में ही निकाल के रख देती हूँ, और मुझे पता ही नहीं रहता कब निकाल के रखती हूँ,
और मेरे को इतना भी याद नहीं कि मेरे हाथ में है ये चीज, नहीं ये चीज, मेरे इतना दिमाग में भी नहीं रहता। और ऐसा कभी मेरे हाथ से कभी गिर भी गई ना, मेरे को पता नहीं चलेगा मेरा दिमाग ऐसा है। तो थोड़ा आज मैंने थोड़ा अदरक लहसुन डाल के, कांदा टमाटर डाल के मैंने दाल बनाया है। मैं तो हमेशा टमाटर के साथ ही बनाती हूँ, टमाटर और हल्दी बिल्दी डाल के। आज थोड़ा मैंने बोला चल अदरक लहसुन भी डाल देती हूँ। और अभी कितने बज रहे, 8:30 बज गए। आज हमारे वहाँ सामने का ही रूम, यहाँ के रेंट पे जो रहते तो उन्होंने आज घर खाली कर दिया, अभी मैं अकेले ही रह गई। वैसे तो मैं ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती, पर जब भी दरवाज़ा खोलती थी तो उनके बच्चे वगैरह दिखते थे। अब हो गया घर खाली उनका, तो अब मैं बिंदास डोर खुला रख सकती हूँ। मैं तो ज़्यादातर डोर खुला नहीं रखती क्योंकि वो हमेशा उनके बच्चे हैं तो वो खुला ही रखते थे, तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने फिर बंद कर देती थी। तो अभी मैं, आज ही उन्होंने घर खाली कर दिया और हम भी थोड़े दिन के लिए ही यहाँ पर देख रहे हैं। हम लोग भी घर, जैसे ही घर हमको मिल जाएगा बारिश से पहले या तो बकरीद के बाद हम खाली कर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट तो आने जाने का मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, इसके चलते मैं कहीं आने जा नहीं पा रही हूँ, ना मार्केट में जा पा रही हूँ, ना दूध ख़त्म है तो दूध लाने नहीं जा पा रही हूँ। इसके लिए मेरे को इन्होंने बोला है ईद तक रुको, या तो बारिश के पहले कभी तो भी खाली मतलब कर देंगे। और दूसरा पानी का मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, सुबह में 2 घंटा ही पानी आता, दिन भर पानी नहीं आता। और थर्ड चीज़ हो रही, कपड़े धोने के लिए मैं मशीन लगाती हूँ, उतने में पानी चला जाता है तो मुझे दिक्कत हो जाती है, फिर वो ड्रम का पानी हाथ से निकालो ये करो। इसके लिए मैं हफ्ते में 2 बार ही कपड़े जमा करके रखती हूँ, उनके टी शर्ट्स पैंट वगैरह एक साथ जमा करके धोती हूँ। बाकी के मेरे जो है मैं रोज़ धो के नहाते रोज़ धो के डाल देती हूँ। और थर्ड है कि मेरे को किचन का स्पेस बहुत छोटा हो रहा है, मुझे काम करने के लिए नहीं जम रहा है, बर्तन घसने के लिए पानी, क्योंकि इस रूम ओनर को हमने बोला था कि एटलीस्ट हमको टाकी तो भी लगा के दे दो, तो हम टाकी लगाएंगे तो काम कैसा, किचन में काम होते रहता है। तो वो मना कर रही, टाकी नहीं लगाऊंगी, आपको अगर लगाना तो आप लगाओ, आप जाओगे तो, अब मैं जाऊंगी तो यहाँ से टाकी कहाँ लेके जाऊंगी। इसके लिए फिर मैंने उसको बोला रहने दो, ना टाकी लगाएंगे ना कुछ लगाएंगे, थोड़ा टाइम बाद हम खाली कर देंगे, बोल के रखा है 2-3 लोगों को। तो जैसे कुछ होता है बारिश के पहले या तो बकरीद के पहले मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, क्योंकि लिया था मुझे इतना पानी का आइडिया नहीं था। और मैंने कल परसों मंडे के दिन मैंने हेयर कट कर दिया, कम से कम इतने हेयर कट किए मैंने, इतने को इतना इतना बोला था, इतने इतने कट किए हैं। और 2-3 दिन से मैंने ऑयल लगा के रखा है, हाँ 2-3 दिन से ऑयल लगा के रखा है, मंडे ट्यूसडे 3 दिन हो गया, तो मंडे के दिन ही इन्होंने काट दिए थे मेरे सेपरेट। मैं वैसे मैं पहले वहाँ मतलब काम पे तो 4-6 महीने भी जैसे कोई इंटरव्यू के लिए आ गया तो थोड़े थोड़े इतने इतने कट कर लेती थी, तो इसके लिए भी बहुत दिन से नहीं किया था। और आली का भी इन्होंने हेयर घर पे ही किया था, तो आली आया था उस दिन, तो मैं वीडियो बनाना ही भूल गई थी क्योंकि वो रो रहा था, मैंने उसको पकड़ के बैठी थी। अभी जब मुझे मिलेगा आप लोग को दिखाऊंगी उसका मैं नया लुक हेयर कट के साथ में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलो 9:30 बज गए, जाती हूँ दाल के पास, ओपन कर अपनी गल चुकी है, मतलब थोड़ा और गलना बाकी है, थोड़ा कच्ची कच्ची लग रही है, थोड़ा और इसको दो सिटी ले लेती हूँ, प्लीज़ दो तो भी ले लेती हूँ, स्लो गैस पे सिटी लेती हूँ मैं, फास्ट गैस में नहीं लेती, क्योंकि फास्ट गैस में ना बहुत फटाफट होती है और वो समझ बराबर नहीं होती है, तो इसके लिए स्लो गैस करके 2 सिटी ले लेती हूँ फटाफट। और यहाँ पर देखो कैसे हिल रहा है, देखो और यहाँ पर इतना पानी का प्रॉब्लम होता है तो मुझे ऐसे भर के रखना पड़ता है। अभी शाम के बर्तन, अभी मैंने चाय वगैरह पिया उसके बर्तन घसूंगी। अभी यहाँ पर मैंने लहसुन थोड़ा सा लिया है, क्योंकि अदरक लहसुन मैंने ऑलरेडी इसमें डाला है थोड़ा, तो इसके लिए थोड़ा ही लहसुन लिया है। और ऐसा मुझे पानी भर के रखना पड़ता है चावल धोने के लिए, दाल धोने के लिए, जो भी धोने के लिए ऐसा। और पीने के लिए तो मैं कलसी भरती हूँ गर्म करके, बॉटल भर के रखती हूँ, तो इतना पीने को नहीं लगता है। बाकी कैसा कंटिन्यू नल के पास काम करने के लिए पानी चाहिए रहता है, तो पानी सुबह में ही आता है और सुबह में इतना दिन भर इतना था स्लो आते रहते थे, कुछ काम का नहीं है, तो इससे मैं बर्तन ये वगैरह घस के खाली कर देती हूँ। तो चलो इसके 2 सिट्टी होने दो, फिर बगाड़ती, फिर आप लोग को मिलती हूँ। तो मैंने लिया राई, जीरा, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया मैंने इसके अंदर। और यहाँ पर मैंने दाल को अच्छे से, नीचे से गैस चालू है, गर्म हो रहा है, और थोड़ा सा डाला इसमें कस्तूरी मेथी। अभी जैसे ये हो जाएगा अच्छे से गर्म, क्योंकि ऑलरेडी ये गर्म है ना तो अच्छे से तड़का बैठता, ठंडा कभी डालने का नहीं, डालना है तो गर्म पानी करके डालना, या तो अगर ठंडा डालेंगे ना तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, तो गर्म गर्म का टेस्ट अच्छा आता है। ये अच्छे से होगा दाल, तो चलो इसको यहाँ ये गैस बंद कर देते इस साइड का, रखते हैं नीचे। बिस्मिल्लाह, देखो
इसको थोड़ा और पतली करूंगी, थोड़ी गाढ़ी है ये। तो चलो पानी डालती हूँ इसमें, फिर आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि हाथ से नहीं आएगा। पानी वगैरह इसमें डाल दिया, अभी सिर्फ इसमें नमक डालना बाकी, तो इसको थोड़ा अच्छे से बॉईल होने दो, फिर डालती हूँ नमक। मैंने इसको गैस चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हवा आ रही और यहाँ पर नहीं आती, थोड़ा खिड़की बंद और सब में ज़्यादा। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही मेरे को देखो, ये सब दिन में मेरे को ऐसा बार बार ये वाइट ना साफ करना पड़ रहा है। देखो पूरे घसे हुए बर्तन, ये देखो सब ये बॉटल, ये दीवार का ना ये पता नहीं, ये मैंने कल पोछा है फिर भी ये ना बार बार, मैंने सुबह से तीसरी बार क्लीन किया भी, ये मैं सोते टाइम खाना खाने के बाद और एक बार साफ करूंगी, तो ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये सब ऐसा गंदा गंदा। देखो इतना गुस्सा आ रहा है, सब ये सुबह में मैंने साफ किया है तो भी इतना गंदा हुआ है, बार 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 गिर रहा है, तो मेरा और दिमाग खराब हो रहा है इसको देख देख के। देखो अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्लीन करके, फिर आपको बाद में जब बर्तन घसूंगी ना तभी एक बार फिर दिखाऊंगी। तो चलो दाल बन के रेडी हो गई, अभी यहाँ पर मैं चढ़ाती हूँ चावल, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, 9 बज रहे, अभी आएंगे और हम लोग खाएंगे ये अचार के साथ, अम्बा लोंचे के साथ खाएंगे। तो चलो चावल चढ़ाती फिर आपको मिलती हूँ। अभी मैंने यहाँ पर क्लीन करके रख दिया, अभी क्लीन किया, वापस चावल बन के हो गए रेडी, दाल तो ऑलमोस्ट बन गई, थोड़ा सा पानी डाल दिया और चावल बन के स्मेल आती है मेरे को, अच्छा नहीं लगता फिर वो स्मेल, तभी खोल के रख देती हूँ, या तो ढक्कन भी वॉश करने के लिए डाल देती हूँ, उसको प्लेट रखती हूँ। ये ढक्कन ऐसा होता ना तो मेरे को जरा भी नहीं पसंद आता, इसके लिए मैं हल्दी पहले नहीं डालती ना तो पूरा पीला 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 हो जाता है। माशाल्लाह खुले खुले पक जाते हैं, कुकर में चावल बहुत अच्छे बनते हैं और मुझे थोड़े से स्टिकी स्टिकी चावल ही अच्छे लगते, खुले खुले चावल अच्छे नहीं लगते। तो चलो अभी थोड़ा बैठती हूँ, सब हो गया काम, जैसे आते फिर आने के बाद टिफिन धो, कितना पसारा लगता है ना किचन में, मैं कितना भी साफ करूँ और पता नहीं कैसे गंदा हो जाए। काम करके आई हूँ थोड़ा वॉक करने के लिए, आज मैं अकेली आई हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, दिख रहा है परछाई में अकेली, तो कोई रोड भी पूरा सुनसान है, तो मैंने बोला चलो जाती हूँ मैं, ये बिजी है तो मैं आ गई निकल के।